चले जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट बड़ो लो केरे बेटी लो लंबा लंबा चूल बैक टू माई चैनल क्रिएटिव यामिनी. आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दिस रेड लिपस्टिक वाला मेकअप लुक. सो मैंने इससे पहले आपके संग शेयर किया था काजल वाला मेकअप लुक, तो आज मैं आपके संग शेयर करूँगी दिस रेड लिपस्टिक वाला मेकअप लुक. और आपको ये कॉल ऐप मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आई थॉट मैं भी ट्राई करूँ. इसमें से एक जो फ्रेंड है वो यूट्यूबर हैं, उन्होंने न्यू ही अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो उनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप उनके चैनल पे वीडियोस चेकआउट करना चाह रहे हैं. बट उन्होंने आई थिंक अभी फर्स्ट ही वीडियो डाला है उनका, बट मैं लिंक आपको दे दूंगी अगर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से उनके चैनल को भी चेकआउट कर लीजिएगा. अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं. सभी के इंस्टा आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जिनके संग मैंने ये कॉलैब किया था ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और ये मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए उनको थैंक यू. वो वीडियो देख रहे होंगे मुझे पता है. सो देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है. वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है. पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा, सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. अगर मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं इंस्टा पे, आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी. आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को अगेन देखने के लिए इंस्टा पे, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके संग इंस्टा स्टोरी पे भी शेयर करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है. तो गाइस सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये मिस्ट, लेवेंडर मिस्ट है. ये अच्छे से स्प्रे कर लूँगी. DIY लिप बाम लगा रही हूँ मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए. और फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने लिया है जॉय की ये हेलो सन सन ब्लॉकेज एंटी क्रीम, जो कि बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, सन से भी प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. प्राइमर के लिए मैंने लिया है ADS ब्यूटी का ये जेल बेस्ड ऑयल बेस्ड प्राइमर. अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की ये BB क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया था बट इसका कवरेज जो है मीडियम ही है, एकदम हाई कवरेज नहीं है. डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छी है, लाइट कवरेज है बट इससे स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग कंट्रोल नहीं होती है बट मैट लुक आपको मिलता है. नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ हाफ एंड हाफ का कंसीलर, आई मीन दी शेड 04 आइब्री और NYX ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ऑल ओवर फेस को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का ये कॉम्पैक्ट आई मीन दी शेड 01 नेचुरल. बहुत ही अफोर्डेबल है, येलो टोन्ड है तो बेक्ड हो जाता है. स्वेटिंग अगर होता है आपको तो आप इस तरीके का कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो. सिस ब्यूटी का ये आईब्रो पोमेड ले रही हूँ, एंगल ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल इन कर लूँगी, नेचुरली फिल इन करूँगी, ज़्यादा हैवी लुक नहीं दूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का पेन टिप स्केच लाइनर और थोड़ा सा मोटा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ. विंग नहीं निकालूंगी, आप चाहें तो विंग भी निकाल सकते हैं रेड लिपस्टिक के साथ, बहुत प्यारा लगता है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट की ये न्यूड काजल पेंसिल और अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पर आप कोई भी कलर वाला लीजिए, ब्लैक मत लीजिए, बहुत सॉफ्ट लुक लगता है इससे. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन सेंसेशनल का ये मस्कारा, जो कि वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है बट बहुत अच्छे से लेंथिंग और वॉल्यूम दे देता है. सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर ब्लश पैलेट और इससे ऑल ओवर फेस को अच्छे से ब्रॉन्जअप कर लूँगी. सेम पैलेट से मैं ब्लशिंग भी कर लूँगी पिंक शेड लेकर के, जो कि थोड़ा सा शिमरी है. और सेम एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटिंग भी कर लूँगी ऑल ओवर फेस पे, यूजली जहाँ मैं हाइलाइटिंग करती हूँ. नेक्स्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, अफोर्डेबल रेंज का है, क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक आई मीन दी शेड रूबी रेड, बहुत ही प्यारा रेड मैट शेड. फाइनल फिनिश लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से. रेड लिपस्टिक वाला मेकअप मैंने किया है. सेम मेकअप आप ब्लैक आउटफिट के साथ कर सकते हो या कोई भी डार्क कलर की ड्रेस के साथ इसे पेयर कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना है, इसी मेकअप को आप किसी भी ड्रेस साड़ी या सिंपल अगर डिसेंसी में आप चाह रही हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो. प्लस आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शिमर ऐड करना चाह रहे हो आपकी इच्छा से कि आप थोड़ा सा हैवी लुक देखना चाह रहे हो या डे टाइम है नाइट टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हो. बट इसे मैंने एक टीनेजर्स के अकॉर्डिंग देखते हुए किया है, जैसे कि मेरी जो सीरीज़ चल रही है कि नो मेकअप नो हैवी मेकअप
बट मेकअप लुक बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के मेकअप्स। बहुत ही सिंपल है, आपने देखा मैंने आई मेकअप के मैं सिर्फ लाइनर मस्कारा और न्यूट काजल लगाया, अदरवाइज मैंने कोई आईशैडो यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो लिपस्टिक शेड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर भी हिट कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।